तो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अफसोस की बात है कि मैं हैकिंग के वीडियो ज़्यादा डाल नहीं रहा। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो से हैकिंग रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो हो गया हैकिंग का, वो मैं ज़्यादा नहीं डाल सका चैनल, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे तो एक स्ट्राइक आ चुकी है और मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो डीमोनेटाइज कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि मैंने आपको हैकिंग रिलेटेड या फिर उसके प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ चीज़ बताने की कोशिश की है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म में बनाऊंगा, ओके। तो वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग सिखा सकता हूं, जिनको एक्चुअली हैकिंग सीखना है, अपने करियर पे ग्रो करना है, उनके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि यार वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सोशल मीडिया को हैक करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और सोशल मीडिया के रिलेटेड बात कर ही रहे हैं तो आज के टॉपिक जो है वो है बुल्ली भाई ऐप। शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा हर एक न्यूज़ पे, चाहे वो हो गया NDTV न्यूज़, आज तक बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे इसके चर्चे तो हर जगह फैले हुए हैं। हालांकि ये ऐप नया नहीं है, इससे पहले भी एक ऐप आया था, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन इससे पहले एक ऐप था जो सिमिलर चीज़ कर रहा था जो बुल्ली भाई ऐप कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये जो ऐप है, जो पहले जो ऐप है, तो उसी को ही मॉडिफाई करके बुल्ली भाई ऐप नाम से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो ऐप आया था उसके ऊपर भी कंप्लेन गए थे, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा एक्शन लिया नहीं मेरे ख्याल से, इसीलिए फिर से ये अलग वर्शन बुल्ली भाई ऐप बन के आया है। और आज के टॉपिक में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि यार आप ये ऐप ऐसा है, ये ऐप वैसा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ओके, ये सब मैं बताने वाला हूँ नहीं। इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको अलर्ट करने के लिए, आपको सेफ करने के लिए, कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, मतलब जो वुमेन्स हैं उनके लिए सिर्फ नहीं है, यहाँ पे लड़कों के लिए भी है, ठीक है। डोंट थिंक कि हम लड़के तो हम बच जाएंगे इन ऐप से, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे लड़के के प्रोफाइल्स को भी बहुत अलग अलग तरीके से मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन बॉयज शुड नो दिस थिंग। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि यार आपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दो और ये कर दो वो कर दो वगैरह वगैरह, क्योंकि आजकल का जो फैशन चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारे लोगों को फेमस होना है, सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, पैसे कमाने हैं, मोनिटाइज करना है अपना चैनल, अपना अकाउंट। तो इन हालातों में ये जो अटैक्स होते हैं या फिर ये जो सोशल मीडिया से फोटोज चुराने होते हैं, बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और थोड़ा ध्यान देके कैसे आप उसको और थोड़ा, मतलब सिक्योरली और एफिशिएंटली आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं उन लोगों के लिए जो फेमस नहीं होना चाहते, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आए हैं अपने दोस्तों की वजह से या फिर बस ऐसे ही रील्स देखने के लिए, जो जिन्हें फेमस होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो उन लोगों के लिए यार ये है बात कि सबसे पहली बात, सिर्फ अपने दोस्तों को ऐड कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ओके। और जिनको आप जानते नहीं उनको तो बिल्कुल ऐड ही मत कीजिएगा। जिन्हें आपकी पहचान मतलब रिसेंटली हुई है और बस आप उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, तब भी ऐड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बता नहीं सकता कि अगला मूव उनका क्या हो सकता है या फिर कब किसी के इंटेंशन बदल जाते हैं। तो वो एक चीज़ है, जब तक आप उस पर्सन को अच्छी तरह जानते हैं तब तक उनको ऐड मत कीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार अपना अकाउंट हमेशा हमेशा प्राइवेट मोड या फिर प्रोटेक्टेड मोड या फिर जो भी इनविजिबल मोड होते हैं उन मोड पे रखिए। यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक मोड में बिल्कुल मत रखिएगा। तो दिस इज़ व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को पब्लिक में कर देते हैं, बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर देते हैं, जो इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट आते हैं, सोचते हैं कि यार इससे हमारे फॉलोअर्स जो है बढ़ जाते हैं या फिर कोई अलग वगैरह मतलब कूल लगता है बिजनेस अकाउंट। तो इसके लिए ये जो अकाउंट्स हैं इनको आप प्राइवेट ही रखिए, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है उसको प्राइवेट ही रखिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, मतलब कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं मैंने देखा है मार्केट में जहाँ पे आपसे दावा करते हैं कि आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपके अकाउंट को ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब कि अलग अलग तरह से ऐप्स आते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर पे तो वो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा मिलते नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ प्ले स्टोर जो ऐप आते हैं जो बोलते हैं कि मैं अपना आपका सोशल मीडिया अकाउंट बढ़ा दूंगा, इस ऐप से तो दूर ही रहिएगा। कोई भी इस तरह के ऐप अकाउंट आप ऐप डाउनलोड करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट लिंक मत कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से ज़्यादा जो फोटोस चुराना होता है, इंफॉर्मेशन चुराना होता है, डेटा चुराना होता है, तो बहुत इजी हो जाता है इन लोगों के लिए, ओके। तो ये एक पॉइंट है, और यही तीन पॉइंट अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत हद तक सेफ रहेगा।
अब बात करते हैं कि यार उन लोगों को जो सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिनके पास 100K फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के वीडियोस बना के फॉलोअर्स कमाते हैं, और मतलब कि वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात है नहीं, आपके लिए भी थोड़ा बहुत एडवाइस है क्योंकि यहाँ पे आपका भी अकाउंट भी मिसयूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला एडवाइस ये है कि यार डोंट गो फॉर एनी प्रमोशन विच इज़ नॉट बाय एनी लेजिटिमेट ऐप। ओके, यहाँ पे मैंने देखा है कि यार बहुत सारे लोग जो है आगे बढ़ने के लिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे जो लेजिटिमेट ऐप्स नहीं या फिर जो लेजिटिमेट पर्सन्स नहीं है उन पे ट्रस्ट करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है दे देते हैं, या फिर उनके साथ अपना सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी यार यहाँ पे आपका अकाउंट जो है मिसयूज़ हो सकता है, या फिर आपका अकाउंट जो है वो आपसे चुराया जा सकता है अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है। तो इनसे दूर रहिए, ये एक सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए। अगली बात ये है कि यार अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, और अगर आपके साथ कुछ जैसे कि कहता है कि यार हम सोशल मीडिया पे एक कम्युनिटी पेज बनाएंगे, या फिर हम अपने इंस्टाग्राम पे दोनों अकाउंट लिंक कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, तो उनसे तो उस तरह के लोगों से भी आप दूर रहिए, चाहे उनके अकाउंट में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, कितने भी फॉलोअर्स हो, ठीक है, जब तक वो अकाउंट एक लेजिटिमेट अकाउंट नहीं, या फिर जब तक आप उस पर्सन को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानते नहीं हैं, तब तक इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हो गए या फिर जो लिंक्स हो गए बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन तरह के चीज़ों से आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो यहाँ पे ट्रैक हो सकता, मतलब कि इंस्टील हो सकता है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार फ्री फायर लोग जो खेलते हैं और पबजी गेम जो खेलते हैं, जो अपने फेसबुक से लिंक करते हैं, ट्विटर से लिंक करते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि यार मोस्ट ऑफ दी जो लोग होते हैं वो अपने गेम में पॉइंट्स बढ़ाने के लिए या फिर रैंक बढ़ाने के लिए हैकर को, मतलब वो एक्चुअली हैकर नहीं होता, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिन्होंने बनाया होता है, वो हैकिंग बिल्कुल है, गेम हैकिंग को आप हैकिंग नहीं कह सकते, वो एक अलग ही फील्ड है, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो उसके लिए भी ट्यून रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है, वीडियो बोल रहा हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ ऐसे रिलेटेड। तो आप अपने अकाउंट को ऐसे पर्सन को मत दीजिए जो आपको कहता है कि मैं हैक करके आपके रैंक जो है वो डायमंड पे ला दूंगा, एस पे ला दूंगा, क्राउन पे ला दूंगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोग बोलते हैं मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया, तो यहाँ पे अकाउंट हैक होता नहीं है भाई, यहाँ पे आपने ही कुछ किया होगा, क्योंकि फेसबुक अकाउंट जीमेल अकाउंट हैक करना आज के ज़माने में नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है, और यहाँ पे बहुत जैसे छोटे मोटे हैकर्स हो गए या फिर इंटरमीडिएट हैकर्स भी हो गए, वो भी आपके अकाउंट्स हैक नहीं कर सकते जब तक आप कुछ गलती नहीं करते। तो दिस इज़ वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड एंड यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट, ओके, सो ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि यार कैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं इन सारे एप्लीकेशन से या फिर इन सारे लोगों से। तो आज का वीडियो यही था, और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड तक देखा है तो कमेंट कीजिए कि यार हमने एंड तक वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पिछले वीडियो जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने एंड तक देखा है, बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं हमने एंड तक देखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में एक और एथिकल हैकिंग रिलेटेड या फिर हैकिंग रिलेटेड वीडियोज़ में, तो तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।